एंड लेपल इट थ्री पार्ट्स, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, आपके पास वही है। व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड लेबल डायग्राम। ये जो आपके पास थ्री टाइप्स के एक ही क्वेश्चन है, आंसर बच्चों इन सब का एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है वो डिफरेंट है। हाय 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 हाय, आज तनहा हूं तो किसी ने आवाज तक ना दी साकी, कल देख मंडी सी ते पाजी पाजी हो रही सी। और लाजमी याद रखें, मिड ब्रेन, ये जो आपका दिमाग ना, जो पुट्ठे सीधे आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ये यहां से करके आते हैं, ये मिड ब्रेन से, ये याद रख लें। जो छितर खाकर स्कूल जाया करते हैं, वो अक्सर मोहल्ले की किसी डिस्पेंसरी में धक्के खाया करते हैं। आय हाय 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 हाय, शायर को यहाँ पर तो लगता है लितर भर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, एक्सल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये ड्रोना सा जो बंदा है ना, इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, क्योंकि आपके वालदैन अपना पेट काट कर आज के दौर में अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वो आपका भला कर रहे हैं। तो आपने फ्यूचर में जब वो बुढ़े हो जाएंगे ना, तो आपने उनका सहारा बनना है। तो शायद को एक शेर याद आया है, एक हस्ती है जो शान है मेरी, वो कोई और नहीं अम्मी जान है मेरी। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम सदस्य खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो है 10th बायोलॉजी। मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स याद रखें कि आपका 1 मार्च को एग्जाम 2024 का पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश का बच्चों आपका पहला पेपर है 2 मार्च एग्जाम 2024 सैटरडे को। ये आप अपनी स्क्रीन पर डेट शीट देख भी सकते हैं। बायोलॉजी का बच्चों आपका पेपर है 11 मार्च एग्जाम 2022 मंडे को। अगर सबसे पहले हम पेरिंग स्कीम फॉर क्लास 10th बायोलॉजी एग्जाम 2024 की बात करें, ये जो पेरिंग स्कीम है पंजाब के तमाम बोर्ड्स, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोधा, रावलपिंडी, बहावलपुर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आपके पास बायो का जो पेपर है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स में से आपके पास 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 में से आपके पास दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आपके पास 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में से भी बच्चों आपके पास जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 15 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 16 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में से कोई भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 17 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए और जो बी पार्ट है, ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से आएगा और बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से आएगा और एक पेयर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से आएगा और आपका यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 17 में से और क्वेश्चन नंबर 7 का बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। इसके अलावा जो जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पेयरिंग बताई है, जो जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पेयरिंग बताई है एग्जाम 2024 के लिए, बस आपने जो जो हमने आपको पेयरिंग स्कीम में बताया, बस आपने यही करना है। चैप्टर नंबर 10 है गैसियोसिस एक्सचेंज, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसमें से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की जो आपके पास डेफिनेशन स्टार्ट होगी वो यहां से होगी, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड टू प्रोसेस से लेकर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेशन की बच्चों आपके पास
पास डेफिनेशन स्टार्ट होगी रिस्पिरेशन इन मोर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंटिसेल्स एंड स्टोमा। स्टोमा की बच्चों आपके पास डेफिनेशन होगी स्टार्ट यहाँ से, प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से लेकर दी स्टोमा तक आपके पास स्टोमा की डेफिनेशन होगी। अगर हम लेंटिसेल्स की बात करें तो यहाँ ये वाली है इन वुडी स्टीम एंड मेच्योर रूट, यहाँ से लेकर आपके पास दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन नोस्ट्रिल्स और नोस इनक्लोजेस द नसल कैविटी से लेकर आपके पास इक्वल टू डेट द बॉडी। डिफाइन एपिग्लोटिक्स एंड राइट इट्स फंक्शन। डेफिनेशन में तो ये हो जाएगा ना, रिकॉलिंग द ग्लोटिक्स इज गार्डेड बाय द फ्लैप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एपिग्लोटिक्स। और फंक्शन में आपके पास ग्लोटिक्स इज अ नैरो ओपनिंग से लेकर लैरिंक्स तक। व्हाट इज वॉइस बोल, वेयर इज इट इज प्रेजेंट। लैरिंक्स इज अ बोस मेड ऑफ कार्टिलेज, यहाँ से लेकर बच्चों आपके पास द वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेचिया, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। लार्निस कंटिन्यू टू द ट्रेचिया से लेकर एयर इन इट। व्हाट इज इंस्पिरेशंस और इनहेलेशंस, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। ड्यूरिंग इंस्पिरेशंस द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आपके पास ऑन बोथ साइड्स तक है। हाय 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 हाय। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकाइटिस आपके पास डेफिनेशन में है। अगर ये डेफिनेशन में आता है तो बच्चों अगर आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो इसकी डायग्राम लाजमी बनाकर आनी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज निमोनिया, गिव इट्स निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास अस्थमा, अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी से लेकर एयर वेजिस तक हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज लंग्स कैंसर, गिव इट्स टू केसेस, आपके पास लंग्स कैंसर इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल से लेकर वेट लूज है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज निकोटीन, निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन से। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज में द वर्ल्ड नंबर तमाकू इज डे ऑब्जर्व्ड, ये आपके पास तमाकू का जो डे है वो कब मनाया जाता है, 31 मई को, ये याद रखें एमसीक्यूज में। हाउ स्मोकिंग इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्मोकिंग करने का जो नुकसान है वो आपके दांतों पर क्या होता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर ये ड्रोने से स्मोकर जो लंग्स है उनके भी देख सकते हैं और नॉर्मल जो लंग्स है उनके भी देख सकते हैं। सिगरेट पी पी के ये हाल हो जाते हैं आपके अंदर वाले हिस्से का और विदाउट का आप नॉर्मल लंग्स देख सकते हैं। अगर हम गैस पेपर 2024 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। गैस पेपर 2024 चैप्टर नंबर 10 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, राइट टू डिफरेंस बिटवीन लेंटिसेल्स एंड स्ट्रोमा, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेचिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफाइन एपिग्लोटिक्स एंड इट्स फंक्शन। ये वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं चैप्टर नंबर 10 के। आपने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने तो मिट्टी डाल देनी है। चैप्टर नंबर 10 में से कोई भी लॉन्ग नहीं आता। चैप्टर नंबर 11 होमोस्टेटिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो आपके पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग आना है। हाय 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 हाय, आज तन्हा हूं तो किसी ने आवाज तक ना दी साकी, कल देख मंडी सी ते पाजी पाजी हो रही सी। डिफाइन ओस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोगुलेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इज अ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज कंटेशन, डिफाइन कंटेशन, ये आपके पास यहाँ से शुरू होगा। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दीज वाटर थ्रू, यहाँ से लेकर गटेशन। चैप्टर नंबर 11 के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। इसमें आपके पास बच्चों तीन हेडिंग्स हैं और ये जो डायग्राम्स है ना वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता भी है ना तो 5 नंबर से कम नहीं आना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन इन होमोस्टेटिसिक्स, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एस्केप थ्रू एवोपरेशन तक हमारे पास होगा कम्प्लीट। चैप्टर नंबर 11 के अगर हम दूसरे वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसमें आपके पास हेडिंग के तौर पर बाइलेक्स की हेडिंग्स बन सकती है, रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेंडोला की आपके पास हेडिंग बन सकती है। और डायग्राम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। बायो में कुछ करें ना करें अपनी डायग्राम्स को लाजमी करें। डिफाइन नेफ्रोन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स पार्ट्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोन, यहाँ से लेकर बच्चों आपके पास ये यहाँ तक है। व्हाट इज मीन्ड बाय रेनल ट्यूबल, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसमें दो इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
स्टूडेंट है, व्हाट डू यू नो मीन अबाउट द किडनी स्टोन, व्हाट इज लिथोथेरेपी, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिथोथेरेपी इज एन अदर मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन से लेकर थ्रू यूरिन तक। डिस्क्राइब टू मेजर ऑफ किडनी फेलियर, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर हम तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायलिसिस, ये डायग्राम की वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पांच नंबर से कम नहीं है आएगा। एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज किडनी ट्रांसपेरेंट, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास एक लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 13 में से आपके पास एक लॉन्ग आना है। गेस्ट पेपर 2024 चैप्टर नंबर 11 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। गेस्ट पेपर 2024 चैप्टर नंबर 11 के अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो रीनल मेंडोला है, व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैटेशन एंड ट्रांसपिरेशन, हाइपोफाइड हमारे पास वेरी वेरी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। अगर आप हमारे इसी शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेन बायो में 60 out of 60 मार्क्स। अगर हम चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले नंबर पे नेफ्रोन एंड राइट डाउन इट्स नेम, इसका कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन वो इस तरह से भी बना के दे सकता है, व्हाट इज नेफ्रोन, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड लेबल डायग्राम जो भी हम डिस्कस करके हैं नेफ्रोन की। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी, इसका कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है, डिस्क्राइब एनी टू स्टेप्स ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, या लास्ट में डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास ड्रा डायग्राम ऑफ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन किडनी एंड लेबल इट 3 पार्ट्स, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, आपके पास वही है, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड लेबल डायग्राम। ये जो आपके पास 3 टाइप्स के एक ही क्वेश्चन है, आंसर बच्चों इन सब का एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है वो डिफरेंट है। होता पता है क्या, कि जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना वो डिफरेंट वे से। अब देखें, ड्रा डायग्राम ऑफ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन किडनी एंड डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, कितना डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है वो डिफरेंट है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की जो सप्लिया है वो इस वजह से आती है, बोर्ड में ना जो क्वेश्चनिंग होती है वो कॉन्सेप्चुअल टाइप होती है, लेकिन जो आंसर होता है वो सेम है, और जो स्टूडेंट जज करती है क्वेश्चंस को वो समझ नहीं पाते कि एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, जिसकी वजह से उनकी सप्लियां बहुत ज्यादा आती हैं। अगर मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखाऊं ना तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाहौर बोर्ड में एग्जाम 2023 में ना पास होने वाले बच्चों की तादाद थी वो 49% बच्चे जो थे वो पास हुए, 51% बच्चे जो हैं वो फेल हुए, इसका मतलब आधे से ज्यादा बच्चे फेल हैं। गुजरांवाला का भी जो हाल है वो यही है, 53% बच्चे पास हुए हैं, 47% बच्चे फेल हैं। रावलपिंडी का जो रिजल्ट आया वो आया 50.49%, यानी कि 100 में से सिर्फ 50 बच्चे पास हुए और 50 बच्चे फेल हुए हैं। सरगोधा का अगर हम देखें तो 51% रिजल्ट आया, 49% बच्चे फेल हैं। फैसलाबाद का भी 52% रिजल्ट आया, 48% बच्चे फेल हैं। बहावलपुर का भी बच्चों आपके पास 50% रिजल्ट आया, 50% फेल हैं। वो इस वजह से कि जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स पेपर खाली छोड़ आते हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। जो जो मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताया ना, आपको हमारे गेस्ट पेपर में कॉन्सेप्चुअल टाइप पेपर्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो जो हमने बच्चों को गेस्ट पेपर में दिए थे, अल्लाह के से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन अल्लाह के हुक्म से हमारे ही गेस्ट पेपर में से आए हैं। अगर हम बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी इन डिटेल, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, राइट डाउन अ नोट ऑन बोन एंड कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, फाइंड न्यूरॉन्स एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, राइट डाउन अ नोट ऑन कटिंग एंड ड्राफ्टिंग, व्हाट इज मीन बाय कटिंग, गिव वन एग्जांपल एंड व्हाट आर ड्राफ्टिंग, ये चेक करें। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन अल्लाह के हुक्म से हमारे ही गेस्ट पेपर में से आए हैं। जिन जिन स्टूडेंट ने एग्जाम 2023 में हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे, टोटल नंबर चेक करें, 1004 नंबर है। बायो में नंबर चेक करें, 53 है नाइन्थ में, 54 है टेंथ में। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमना ने हमसे गेस्ट पेपर एग्जाम 2023 में बाय किए थे, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बायो में नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाइन्थ में 55 है, टेंथ में 59 है, और टोटल नंबर 1035 है, और सारे सब्जेक्ट्स में A+ मार्क्स।
मार्क्स हैं। दाऊद अली ने भी हमसे एग्जाम 2023 में गेस्ट पेपर्स बाय किए थे। बायो में आप अपने स्क्रीन पर 56 मार्क्स हैं। बायोलॉजी में 10th में 60 में से 60 मार्क्स हैं और टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तजमतुल कुरान की न्यू बुक आई है वो मिलेगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है, पाक स्टडी है, इंग्लिश उर्दू इस्लामिया कंपल्सरी की आपके पास न्यू बुक है। अभी अपने घर मंगा और इम्तिहान में 1000+ मार्क्स गेन करे, गारंटी है कि जो जो हमने आपको गेस्ट पेपर में बताया था इंशाल्लाह अल्लाह को कम से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा। इन सारे गेस्ट पेपर्स की प्राइस है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे आपने पे करनी है। घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें विद इन 2 डेज। TCS वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर पकड़ा कर जाएंगे। पहले आपने पेमेंट नहीं देनी, पेमेंट आपने बाद में देनी है, पहले अपने गेस्ट पेपर रिसीव करनी है। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 1000+ मार्क्स इन एग्जाम 2024। चैप्टर नंबर 12 में बच्चों आपके पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यहां से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा। सबसे पहले आपके पास डिफाइन कोऑर्डिनेशन, ये यहां से शुरू होगा, द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी कोऑर्डिनेटेड तक। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्शन, इसमें जस्ट आपने नेम्स बताने हैं, स्टिमुलस है, रिस्पेक्टर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, इफेक्टर्स है, रिस्पॉन्स है, स्टिमुलाई है, रिसेप्टर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। नर्व एंड न्यूरॉन्स बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन में लॉन्ग है, ये लॉन्ग है। 10th क्लास वाला सुन ले, कान खोल कर सुन ले, इसमें आपके पास हेडिंग्स भी बन सकती हैं। कुछ करें या ना करें डायग्राम को लाजमी करें, डायग्राम वैसे घर में पेंटिंग शेंटिंग करते हो ना, स्कूल में भी पेंटिंग करते हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम में तो पेंटिंग करके आए ना, तो डॉक्टर नहीं बनना बड़े होकर। जितना ज्यादा आप अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे पैसे, जितना ज्यादा अच्छा अपना बायो का पढ़ेंगे उतने अच्छे डॉक्टर, जितना माठा पढ़ेंगे उतने माठे डॉक्टर, फिर वो आपको डिस्पेंसरी वगैरह में जगह मिलेगी बस। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 क्या कहने, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डिवीजन ऑफ ब्रेन्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ब्रेन है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम। अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी काट लेंगे ना तो आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो सकता है। और लाजमी याद रखें मिड ब्रेन, ये जो आपका दिमाग है ना, जो पुट्ठे सीधे आपके दिमाग में ख्याल आते हैं ये यहां से करके आते हैं, ये मिड ब्रेन से, ये याद रख लें। व्हाट इज बी स्पाइनल कॉर्ड गिव इट्स लेंथ, आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम 2024 में, इसकी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। डिफाइन स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म्स एंड 2 मेन फंक्शंस, आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड गिव एग्जांपल, याद रखें लो, आए हाय 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 मैं कही जा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई अगर आपने बायो में बड़े अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना तो हल्की फुल्की ये ड्राइंग भी किया करें, जिससे एग्जामिनर को ये पता होगा कि बच्चे ने भाई कुछ किया है, वो घर से खाली नहीं आया, वो कुछ लेकर आया। अब ये ना हो एग्जाम्स वाले दिन आप अपने घर से मिठे चावल ले जाए, ऐसा नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, डिसऑर्डर्स ऑफ आई में आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन माइओपिया एंड हाइपरट्रोपिया, वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है इसकी, ये आपने वेरी वेरी, ये जो है ना आपके पास डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इनर आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोमिक नर्व्स, व्हाट इज मीन बाय रिसेप्टर्स, ये वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों भी हम करके आए हैं। जो जो हमने आपको एमसीक्यूज़ में बताया, जो जो आपको हमने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया, जो जो इसके भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह जो जो हमने पेपर में बताया एग्जाम 2024 में वो आ जाने। अगर आपको भी 1000+ मार्क्स चाहिए और अगर आपकी कोई भी 9th क्लास में सप्ली है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर कॉन्टेक्ट करें विद इन 2 डेज। TCS वाले सारे के सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको घर देकर जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला आपकी अगर सप्ली है वो भी क्लियर हो जाएगी और आपके 1000+ मार्क्स आएंगे। क्यों के हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप्स क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 1 लॉन्ग आना है। जो छित्तर खाकर स्कूल जाया करते हैं वो अक्सर मोहल्ले की किसी डिस्पेंसरी में
धक्के खाया करते हैं। आय हाय 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 शायर को यहाँ पर तो लगता है लेतर भर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ता नहीं है। अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने बायो रखी हुई है ना वो याद रखें, या तो उन्होंने छित्तर खाकर किसी डिस्पेंसरी में काम करना है या बगैर छित्तर के आपने अच्छा डॉक्टर बना है, आप पे डिपेंड है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन लोकोमोशन मूवमेंट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन स्केलेटन में बच्चों आपके पास तीन शॉर्ट क्वेश्चन है। एक पहले नंबर पे स्केलेटन सिस्टम ऑफ स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क, व्हाट इज मीन बाय एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। आपके पास डिफाइन रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम हमारे पास इन और बॉडी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में द बिग फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट से लेकर टू और बॉडी तक। हाय 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में कार्टिलेज, कार्टिलेज की हाइलाइन है, इलास्टिक है, फाइब्रियोज है। आपके पास डेफिनेशन में ये हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट भी है और इसके डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये मैंने लिखा भी हुआ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर आपने 60 out of 60 मार्क्स गेन करने हैं ना तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना चुप कर किसी रजिस्टर पर या किसी बुक पर जो बायोलॉजी की बुक है वो करना शुरू कर दें तो आपके पास जस्ट 1 मार्च तक बच्चों टाइम है। इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है। या आपकी किस्मत में बहुत अच्छा कॉलेज है या आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपने मार्च तक कितना पढ़ना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आज से स्टार्ट करें कि यार मुझे अपने लिए अपने वालदैन के लिए कुछ करना है तो बस आज से ही मुझे पढ़ना है। हाय 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एक्सोस्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नक्शा ये ड्रोना सा जो बंदा है ना इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये खोपड़ी है आपके पास स्लाइटली मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट है। ये खोपड़ी आपने लाजमी बनाकर आनी है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आपको ये बनानी ना आ रही हो तो आपने बोर्ड एग्जाम्स में क्या करना है क्लास रूम में अपने किसी फ्रेंड का अपने रजिस्टर पे सर रखना है और वो पेंसिल से उसके सर को आपने शेप बना लेना तो आपके पास ये खोपड़ी बन सकती है। इसमें आपके पास हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मूवेबल है, स्लाइटली है, मूवेबल है आपके पास, ज्वाइंट आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 है बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। ये वो एमसीक्यूज है जो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। अगर मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिखाऊं तो ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होंगे। अगर आप सारे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पाक स्टडी है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया कंपल्सरी है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर कांटेक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको आपके घर पहुंचा कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई सप्ली है तो सप्ली के भी हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर 1000+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। गारंटी है कि जिन जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम 2023 में हमने गेस्ट पेपर दिए थे अल्लाह के हुक्म से 1000+ मार्क्स आए उनके। जिन जिन स्टूडेंट ने एग्जाम 2023 में हमसे गेस्ट पेपर बाय किए थे टोटल नंबर चेक करें 1004 नंबर है। बायो में नंबर चेक करें 53 है, 9th में 54 है, 10th में। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आमना ने हमसे गेस्ट पेपर एग्जाम 2023 में बाय किए थे, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बायो में नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 9th में 55 है, 10th में 59 है और टोटल नंबर 1035 है और सारे सब्जेक्ट्स में A+ मार्क्स है। दाऊद अली ने भी हमसे एग्जाम 2023 में गेस्ट पेपर बाय किए थे, बायो में आप अपने स्क्रीन पर 56 मार्क्स है। बायोलॉजी में 10th में 60 में से 60 मार्क्स है और टोटल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 है आपके पास, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफाइन बाइनरी फ्यूजन एंड गिव 1 एग्जाम्पल। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में आता है ना ये फ्रेगमेंटेशन तो आपके पास बच्चों ये डायग्राम जो है ना ये डायग्राम आपने लाजमी बनाकर आनी है। याद रखें बायो का पेपर विदाउट डायग्राम इनकम्प्लीट पेपर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय बडिंग, गिव 1 एग्जांपल। आपके पास ये डायग्राम मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो बायो का पेपर है ना विदाउट डायग्राम इनकम्प्लीट है तो अपनी टीचर्स से अपनी जो डायग्राम्स है अगर वो आपको नहीं सिखाती तो आप खुद करें। स्पोर फॉर्मेशन बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसमें आपके पास स्पोर्स है, चेस्ट है, एंडोस्पोर्स आपके पास डायग्राम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाय 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आपके पास बल्ब्स है, कॉम्स है, आपके पास ये देखें ये आलू शालू कद्दू शद्दू ये आपके पास प्याज प्यूज जो भी है इसकी डायग्राम्स बच्चों आपने लाजमी बनाकर आनी है नहीं तो आपका जो बोर्ड का एग्जाम्स में ना बायोलॉजी का वो इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि एग्जामिनर हमेशा वो आपको क्वेश्चन देगा जो
विद डायग्राम हो, विदाउट डायग्राम कोई आपका सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस प्रोपागेशन ऑफ प्लांट। ये देखें, ये गमले शमले, ये रूट्स ऑफ स्टीम्स आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में। यार ये बनाना वैसे मुश्किल काम नहीं है। हाय 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 हाय, अगर आपकी किस्मत में आपने अपने पेरेंट्स की हिम्मत की होगी, आपने अपने वाले साहब को जवाब नहीं दिया होगा, मदर को आपने इज्जत दी होगी, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आ जाना। ये वो फ्लावर है जो आपकी बुक में है, ये वो डेड फ्लावर नहीं है जो हम एक दूसरे को देते हैं, लाना डालें उस पे। ये वाला फ्लावर आपको आ जाना एग्जाम 2024 में। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है डिफाइन सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड आपके पास, द स्ट्रक्चर ऑफ डिकोड सीड डायग्राम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन ऑफ सीड हमारे पास डायग्राम की वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखें बच्चों, जो हमारे पास गेस्ट पेपर है ना, इसमें एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल टाइप मैंने आपको दिखाए भी हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप वो करते हैं ना, तो आपके 60 out of 60 मार्क्स आते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हमारे बच्चों के 1041 नंबर हैं और बायोलॉजी में चेक करें 9th में 56 है, 10th में 60 out of 60 है। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 है इनहेरिटेंस में, बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर लिखना पढ़ना छड़ दे, रहमत ते रख आस, चुक रजाई ते सो जा बंदिया, रब करेगा पास। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस, ये आपके पास ट्रेट्स की डेफिनेशन है। जीन्स आपके पास है, पेरेंट्स पास करेक्टरिस्टिक्स टू दियर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोसोम्स, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डिस्क्राइब लॉ ऑफ सेक्रेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोल्टमेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज डोमिनेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन कंटिन्यू वेरिएशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, यहां से शुरू हो रहा है इन कंटिन्यू वेरिएशन से लेकर वेरिएशन तक। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास है, नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेस्ट पेपर 2024 हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, इसके अलावा जो हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल टाइप बताया ना, जस्ट बच्चों आपने बस वही करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, अगर आप 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी अपना ऑर्डर दें और इम्तिहान में 1000 प्लस मार्क्स गेन करें। जितने ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर, जितने ज्यादा अच्छे नंबर उतने ज्यादा अच्छा कॉलेज, जितना ज्यादा अच्छा कॉलेज उतनी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी जॉब, जितनी अच्छी जॉब उतने ज्यादा पैसे। सारी जिंदगी में जो एक ही रोल है ना, वो पैसे ना होने की वजह से है। ये आपके पास चांस है अपने बाप की मेहनत के, अपने वालदा की मेहनत को रंग लाने का, कि अगर आपके पास 24 आवर्स है ना, तो आप 24 आवर्स में अपने पेरेंट्स के लिए मैक्सिमम कोई 20 घंटे मेहनत करें। आपके वालिद साहब आपके लिए, सिर्फ अकेले आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं कभी अंदाजा लगाया? चैप्टर नंबर 16 में से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। सबसे पहले पर आप पिद्दा से ये लव्ज डिफाइन इकोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन एंड द अदर वन इज कम्युनिटी। नेक्स्ट बच्चों आपके पास इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 हाय, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब, अब फूड चेन इन्वॉल्व से लेकर आपके पास वाइस वर्सा तक है। फूड वेब आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाउ इट अकर्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज डेनिग्राफिकेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। असिमिलेशन, डिफाइन कंपटीशन एंड पैरेडेटर्स आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गिव टू
एग्जाम्पल आपके पास ये, आपके पास एग्जाम्पल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिफाइंड सिम्बायोसिस आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है, इन अ रिलेशन बिटवीन मेंबर से लेकर आपके पास ऑफ टाइम तक है। व्हाट इज एक्टोपैरासाइट्स, गिव एग्जाम्पल। म्यूचुअलिज्म हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इन द टाइप। डिफाइंड कॉन्वेंशनलिज्म हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखें जो जो मैंने आप लोगों को बताया ना शॉर्ट क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 16 पे, तो आपने बच्चों दिल पे पत्थर रखकर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। क्यों? ये आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अपने वालदैन के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके वालदैन अपना पेट काट कर आज के दौर में अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वो आपका भला कर रहे हैं। तो आपने फ्यूचर में जब वो बुढ़े हो जाएंगे ना, तो आपने उनका सहारा बनना है। तो शायद को एक शेर याद आया है, एक हस्ती है जो शान है मेरी, वो कोई और नहीं अम्मी जान है मेरी। वाह 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 वाह। बच्चों अगर आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अपने वालदैन के लिए उनकी दुआ लें, उनके रातों को हिदमत करें, उनके पांव दबाएं, उनका सर दबाएं, उनके जब वो आ जाए ना घर में, तो आपका काम है अपने मोबाइल के जो आप उसमें घुसे हुए हैं ना, तो आप अपने मोबाइल को छोड़ कर ना अपने माँ बाप को टाइम दे, क्योंकि आपके वालदैन आपके लिए अगर दुआ करेंगे ना, तो वो कभी भी रह गए नहीं जाएगी। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी होगा, अगर आप अपने वालदैन की हिम्मत करेंगे ना, तो आप अपने वालदैन की वजह से पास हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने वालदैन के लिए आज के दौर में कुछ नहीं ना करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप भी यूज करें, फेसबुक भी यूज करें, टिकटॉक भी यूज करें, टिकटॉक पर ठुमके शुमके भी लगाएं और आपको कामयाबी मिल जाए, तो विदाउट आपके पेरेंट्स आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और विदाउट हमारे गेस्ट पेपर्स आपको 1000 प्लस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट जिस की कोई भी तैयारी नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर कॉन्टेक्ट करें, 1000 प्लस मार्क्स गेन करें। इंशाल्लाह अल्लाह को कम से जो जो हमने गेस्ट पेपर आपको बताया ना, पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 17 में से बच्चों याद रखें, बायोटेक्नोलॉजी में से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग आएगा। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में बायोटेक्नोलॉजी आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज अ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइंड जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम की वजह से। राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। डिफाइंड फर्मेंटल आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। आपने शॉर्ट मिलाकर बीच फर्मेंटेशन है, कंटिन्यू फर्मेंटेशन आपने शॉर्ट मिलाकर, ये डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम 2024 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। राइट द स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। व्हाट इज इंटरफेरॉन्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। पिद्दा सा ये चैप्टर है, लेकिन इसमें से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग आना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको 10th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, अगर आप 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर लाजमी अपना ऑर्डर दें और इम्तिहान में 1000 प्लस मार्क्स गेन करें। चैप्टर नंबर 18 में से बच्चों आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक लॉन्ग आने। मेरे दिल को करार आता है, आए हाय 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 हाय, मेरे दिल को करार आता है जब हफ्ता और इतवार आता है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास ड्रग है, फार्माक्यूटिकल ड्रग है, एडिक्टिव ड्रग आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। मेडिकल ड्रग आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक ड्रग है, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई में आपके पास ये जो पौधा है ना, ये ड्रग्स का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन में है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिकल ड्रग हमारे पास वेरी वेरी बच्चों आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। शॉर्ट मिलाकर भी आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स में बच्चों ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। सिडेटिव्स आपके पास हेडिंग है। नार्कोटिक्स आपके पास हेडिंग है। राइट अ नोट ऑन मैरिजुआना आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल स्टिग्मा हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। वैक्सीन हमारे पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन इज अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड एंड किल्ड से लेकर एंटीबायोटिक्स तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो डिफाइन एंटीजीन्स एंड एंटीबायोटिक्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में।
ये आपने शॉर्ट शॉर्ट मिलाकर लॉन्ग कर लेना। जो जो मैंने आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन में, जो जो मैंने आपको बताया लॉन्ग क्वेश्चन में, बच्चों यही टाइम है मार्च तक आपके पास पढ़ने का। अगर आप क्लास टेंथ में 1000 प्लस मार्क्स गेन करना चाहती हैं, अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहती हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर कॉन्टेक्ट करें। विद इन टू डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बच्चों आपको आपके घर पहुंचा कर जाएगा। इंशाल्लाह ताला यू विल गेन आल्सो 1000 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।